हाय एवरीवन, वेलकम टू बी क्रिएटिव विद अवीरीना, जहां हम एवरी थर्सडे एंड संडे डीआईवाई एंड कुकिंग वीडियोस देखते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। आज हम लोग एक सिंपल सी प्लेट से बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पीस बनाएंगे, तो चलिए मटेरियल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी प्लेट लिया है जो कि मार्केट में 30 से 35 रुपीज़ में मिल जाएगा। फिर ब्लैक आउटलाइनर लिया है, ग्लास कलर लिया है जो वाटर बेस है, वार्निश, ब्रश, येलो कार्बन पेपर, प्रिंटआउट, टिश्यू पेपर और एक्रेलिक कलर। यहाँ पे मैंने वाइट कलर भी लिया है जो मैं मेंशन करना भूल गई, और ब्रश कैमलिन का S67। सबसे पहले हम कार्बन पेपर को प्लेट के चारों तरफ अच्छी तरह से टेप की सहायता से सिक्योर कर लेंगे। ज़ेरॉक्स पेपर को भी अच्छे से टेप की सहायता से सिक्योर कर ले ताकि वो घसके नहीं। अब हम ट्रेसिंग करना शुरू करेंगे। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाइए ड्रेसिंग करने के लिए। हम ड्रेसिंग कंप्लीट होने के बाद देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। देखिए, यहाँ पर ड्रेसिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन भी हो चुका है, देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब जो बाकी बची हुई वाइट प्लेट है हम उस पर कलर करेंगे। तो जो मैंने एक्रेलिक कलर दिया उसमें वाइट कलर मिक्स करके इसके किनारों को अच्छे से कलर करेंगे। देखिए, यहाँ पर पर्पल कलर के साथ मैं वाइट कलर मिक्स कर लेके अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फिर प्लेट के चारों तरफ डबल कोट करेंगे। एक कोट सूख जाने के बाद ही दूसरा कोट करेंगे। देखिए, ये सूख चुका है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब हम फिश के अंदर ग्लास कलर करेंगे। मैं यहाँ सिर्फ 5 कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो और भी रंगों का इस्तेमाल कर सकती हैं। कई बार कलर करते समय बबल्स आते हैं, उन बबल्स को आप ईयरबड की सहायता से हटा सकती हैं।
ये वीडियो मैं रात में बना रही हूँ, इसलिए प्लेट का कलर नेवी ब्लू आ रहा है। दिन में इसका कलर कुछ और ही दिखेगा। अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए सुबह में बहुत अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसके ऊपर वार्निश करेंगे। देखते हैं इसका फाइनल लुक। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।